बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की, जय बोलो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, जय बोलो उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। जय जैन बंधुओं, जैसा आप सभी ने 15 अगस्त को देखा, यहां पर भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याण पर कितने भाई बहनों ने लाडू चढ़ाया और धर्म लाभ लिया। इसी तरीके से आने वाली 22 अगस्त रक्षाबंधन के पावन पर्व पर आपको पता है कि बहुत बड़ा कार्य इस मंदिर जी का शिलान्यास जो आप सभी के सहयोग से यहां पर करीबन 1500 का जगह में बनने जा रहा है। बंधुओं, मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, हमें एक नया इतिहास रचना है। वो इतिहास हम सब मिलकर के रचेंगे। कोई भी परिवार जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, सभी से मेरा निवेदन है कि आने वाली 22 तारीख को आप अपने परिवार की तरफ से एक शिला एक एक व्यक्ति के नाम से यहां पर शिलान्यास के अंदर जरूर रखें, क्योंकि उस दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व है और आपकी रक्षा भगवान पार्श्वनाथ करेंगे। इसलिए आप सभी लोग जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से, फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से, आप अपने परिवार की तरफ से यहां पर शिला अवश्य लिखाएं, क्योंकि हमें हर शिला के ऊपर आपका नाम लिखना है। आपका नाम लिख करके शिलान्यास के अंदर वह शिला यहां पर रखी जाएगी। जो शिलाएं यहां पर रखी जाएगी, भगवान पार्श्वनाथ शिला जिसकी राशि मात्र 1,00,000 रुपए की है, स्वर्ण शिला जिसकी राशि मात्र 51,000 रुपए की है, रजत शिला जिसकी राशि मात्र 31,000 रुपए की है, कांस्य शिला जिसकी राशि मात्र 21,000 रुपए की है, और ताम्र शिला जिसकी राशि मात्र 11,000 रुपए की है। अब आपको देखना है कि आपको कौन सी शिला पसंद आती है, आपको क्या बनना है, आपको सोना लेना है, चांदी लेना है, ताम्र लेना है, ये आपके हाथ में है। बंधुओं, जैसा आप दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। मैं यही कहता हूं कि ये इतिहास दिल्ली की भारत की राजधानी दिल्ली में और दिल्ली के जीटी करनाल रोड पर रचा जा रहा है। आप अपने परिवार की तरफ से इस काम को करने में बिल्कुल भी ना चूके और इस धर्म लाभ को अवश्य लेवे। आने वाली 22 तारीख को इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण पारस चैनल पर सुबह 8:50 से 12 बजे तक होगा। जब आपकी शिला रखी जाएगी, आप अपने परिवार की तरफ से घर बैठे उसको देख सकते हैं। और उसी कड़ी में आज उपाध्याय श्री ने, वह हमारी सुमन शास्त्री दीदी, वह रंजना शास्त्री जी ने कहा कि इस पावन अवसर पर हम रक्षाबंधन विधान भी करेंगे, जो शुक्रवार, शनिवार और इतवार को पूर्ण होगा। आप सभी लोग उसके अंदर भी भाग लेकर के अपने धर्म के लिए सब कुछ करें, मेरा आप सभी से निवेदन है। आज का अतिथि प्रसन्न हमारे धर्म प्रभावना मंच की प्रधान एवं उप प्रधान व उनकी सभी टीम, श्रीमती संतोष जैन, बबीता जैन व उनकी टीम, सुनीता जी, सभी लोग आकर के और आज का दीप प्रज्वलन करें। अभी मेरा हम सभी का निवेदन बड़ी दीदी सुमन शास्त्री दीदी से कि वो अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ करवाएं। ओम नमः सिद्धेभ्यः
ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। योगी योगी के भव भ्रमण से देकर जग को त्राण, तीर्थंकर प्रभु पार्श्व ने पाया पद निर्वाण। जय बोलिए अभिषेवंद भगवान श्री पार्श्वनाथ प्रभु की। जय बोलिए वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की। जय बोलिए आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की। उपाध्याय मुनि श्री गुप्ती सागर जी महाराज की। धर्मस्नेही बंधुओं, कल हमारे बीच से एक पवित्र आत्मा जो मोक्ष मार्ग हमारा प्रशस्त कर रही थी हमारे बीच से चली गई। आप लोगों को कुछ महसूस हुआ? जिस समय कोई भी व्यक्ति मोक्ष के प्रति अनुगमन करने का अंतिम पुरुषार्थ करता है उसे बोलते हैं समुद्घात। समुद्घात क्यों किया जाता है? जब घातिया कर्मों में से आयु कर्म की स्थिति कम हो, नाम गोत्र वेदनीय कर्म की स्थिति अधिक हो, तो उन सब को बराबर करने के लिए पुरुषार्थ किया जाता है। उस पुरुषार्थ का नाम होता है समुद्घात क्रिया। इस समुद्घात क्रिया में 8 समय लगते हैं। पहले समय में आत्मा निकलती है, आत्मा प्रदेश निकलते हैं तो दंडाकार एक डंडे के रूप में जैसे स्तंभ लगाना इस रूप से होते हैं। द्वितीय समय में वो फैल करके जैसे आपके कपाट द्वार होते हैं उस तरह से आत्मा के प्रदेश फैल जाते हैं। तृतीय समय में लोक पूर्ण समुद्घात होता है जिसमें आत्मा के प्रदेश पूरे लोक में व्याप्त हो जाते हैं। और चतुर्थ समय में आत्मा के प्रदेश लोक के कोने कोने में, जिसको निष्कुट क्षेत्र भी कहते हैं, वहां फैल जाते हैं। मैं बात ये कहना चाह रही थी कि इस लोक के अंदर आप आते हो कि नहीं? इस संसार में आप रहते हैं, इस ढाई द्वीप के मध्य आप रहते हैं, तो इसमें आपका स्थान है कि नहीं है? परमात्मा के प्रदेश केवली तीर्थंकर के या केवली सामान्य अधिक 7 प्रकार के केवली होते हैं, उन केवली के प्रदेश जब लोक पूर्ण समुद्घात करते हैं तो हमारे आत्म प्रदेशों से उनका स्पंदन होता है, उनका आत्म प्रदेशों का स्पर्श होता है। और जब वो उनके आत्मा के प्रदेश हमारी आत्मा को छूते हैं तो आपको महसूस नहीं होता, कुछ अनुभूति नहीं हो रही कि हमको कुछ हुआ था, किसी ने मुझे छुआ था। यदि हुई है तो समझना मैं वास्तव में वास्तविक रूप से हमने परमात्मा की पूजा की है, परमात्मा का ध्यान किया है, परमात्मा को पाने की कोशिश की है। हमें जाते जाते एक उपदेश दे गए, हमें जाते हो जाते जगा करके चले गए, लेकिन हम अपनी मोह निद्रा में इतने गहरे व्यस्त थे कि कब प्रभु गए और हमें कुछ पता भी नहीं चला। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूं, कल पार्श्वनाथ भगवान की मुक्ति हुई कि मृत्यु हुई? मुक्ति मृत्यु नहीं हुई। क्यों? उन्हें दोबारा जन्म लेना है क्या? नहीं। मुक्ति हुई किससे? संसार से, कर्मों से। और मृत्यु हुई किससे? शरीर से। मैं आपको मुक्ति और मृत्यु में अंतर बतलाना चाहती हूं। इच्छाओं के शेष रहते हुए शरीर से प्राण निकल जाए तो समझना वो मृत्यु है। क्या कहा मैंने? इच्छाएं शेष रह जाएं और प्राण शरीर से निकल जाए उसका नाम मृत्यु है, लेकिन प्राण निकल जाए और इच्छाएं मुक्त हो जाएं तो समझना मुक्ति है।
आज पार्श प्रभु भगवान के शरीर से प्राणों का विसर्जन तो हो गया, आयु कर्म पूर्ण हो गया, लेकिन उनके अंदर एक भी इच्छा शेष नहीं थी, इसलिए वे मुक्ति को प्राप्त हुए। उनका ये जन्म अंतिम जन्म था और मृत्यु भी अंतिम मृत्यु थी। ये संसारी प्राणी बार बार जननी के जठर में जन्म लेता है और बार बार मृत्यु धर्म को प्राप्त होता है। मृत्यु कहती है, अरे मानव, तुझे तो जन्म लेने की और मरने की आदत पड़ गई है, तू तो जन्मता रहेगा और मरण करता रहेगा। बदनाम तो मैं होती रहती हूं कि मृत्यु हो गई, मृत्यु हो गई। तू जन्म धारण नहीं करता तो मृत्यु कैसे प्राप्त करता? महानुभाव, हमें पुरुषार्थ करना है पार्श प्रभु के समान कि ना अब हमारा जन्म हो और ना मेरे कारण मृत्यु बदनाम हो। ऐसा पुरुषार्थ करने के लिए हमें उन्हीं के समान बनने की कोशिश करनी होगी। अपने जीवन को अच्छे संस्कारों से, धार्मिक संस्कारों से सजाना होगा। एक ही समुद्र है और उसका मंथन किया तो क्या निकला? अमृत भी निकला और क्या निकला? विष, जहर, गरल, हलहल भी निकला। एक ही माता पिता की संतान थे, मरुभूति और कमठ एक जहर बन करके इस संसार में व्याप्त हो गया और एक ने सबके जीवन में अमृत घोल दिया और स्वयं भी अजर अमर हो गया। संस्कार की बात है। हम जितने अच्छे संस्कारों को अपने अंदर आरोपित करेंगे, जितने सुंदर वातावरण में रहेंगे, हमारे आत्मा में उतने सुंदर संस्कार का सुदृढ़ीकरण होता जाएगा और यही अच्छे संस्कार आगे जाकर के फलीभूत होकर के हमें संसार से मुक्ति दिलाने में कारण बनेंगे। देखिए, कल की कथा मेरी अधूरी थी, मैं थोड़ी सी इसको पूर्ण करने की कोशिश करूं। मैंने आपको यहां तक तो अच्छी तरह से बता दिया था कि मरुभूति के ऊपर कमठ नामक तापस ने क्या किया था? शिला पटक दी थी। देखो, तापस की स्थिति में उसने अपना क्या किया था? अहित किया था। तापस की स्थिति में, तापस की अवस्था में अपने भाई के ऊपर प्रहार करके उसने अपने संसार को बढ़ाना प्रारंभ किया था और तापस की अंतिम पर्याय को धारण करके उसने अपनी जन्म श्रृंखला को काटने का शुभारंभ भी किया। इसके मध्य क्या स्थिति हुई वो मैं आपके सामने रखूंगी। मरुभूति नाम का जो जीव था वो मर करके शल की वन में वज्रघोष नाम का हाथी हुआ और वहीं पर कमठ का जीव कुट जाति का सर्प हुआ। एक दिन वज्रघोष हाथी पानी पीने के लिए तालाब में उतरा, तालाब में पानी पी रहा था, अचानक उसके पैर कीचड़ में धंसते गए और वह कुट जाति का सर्प जो वृक्ष की डाल के ऊपर बैठा हुआ था किनारे पे, उसने उनको देखा, उस हाथी को देख के उसका पूर्व जन्म का बैर जागृत हो गया। महानुभाव, ये हमारे सुभग और दुर्भग नाम कर्म के उदय है। किसी जीव को देख करके आपको बड़े प्यार की भावना पैदा होती है और किसी से आपका कभी संयोग नहीं हुआ जीवन में, आपने उसे देखा भी नहीं कभी, और कोई व्यक्ति ऐसा होता है वो सामने आ जाए तो आपको देख करके उससे ईर्ष्या, घृणा, क्रोध की उत्पत्ति हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस जीव के साथ कहीं ना कहीं हमारा पुरातन बैर बंधा हुआ था जो सुभग और दुर्भग नाम कर्म के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। एक को देख करके प्रीति के भाव उत्पन्न हुए और एक को देख करके द्वेष के भाव उत्पन्न हुए। उसको कुट जाति के सर्प को वज्रघोष
नाम के हाथी को देख करके बैर के भाव उत्पन्न हो गए और उसने दंश कर दिया। वज्रघोष हाथी ने शल्लेखना धारण कर ली, क्योंकि मरुभूति के संस्कार उसके अंदर अब भी जीवित थे और वह शांत प्रसन्न भाव से मृत्यु धर्म को प्राप्त होकर के 12वें स्वर्ग में देव हो गया। और इधर वह सर्प मर करके कहां चला गया? पंचम नरक में चला गया। सर्प 5वें नरक से ज्यादा नहीं जा सकते और त्रयंश जीव 12वें स्वर्ग से अधिक ऊपर नहीं जा सकते। और 12वें स्वर्ग का देव त्रयंशों में भी उत्पन्न हो सकता है। यही हुआ। दोनों अपने अपने आयु को सुख और दुख में व्यतीत करते हुए वह पंचम नरक का नारकी पृथ्वी लोक पर जन्मा और फिर से उसने अजगर की पर्याय को प्राप्त किया। और वो मुनिराज 12वें वो मुनिराज जो बार नहीं जो वज्रघोष नाम का हाथी था वो मर के 12वें स्वर्ग में उत्पन्न हुआ था। वहां से मृत्यु धर्म को प्राप्त कर मध्य लोक में आकर के राजा की अवस्था को प्राप्त हुआ। राजा ने न्याय नीति पूर्वक अपने राज्य का संचालन किया। कर्म संयोग से उन्हें वैराग्य की उत्पत्ति हुई और उन्होंने घर त्याग कर दिगंबरी दीक्षा धारण कर एक वन में जाकर के वो तप करने में लीन हो गए। उधर अजगर का जीव अपनी आयु पूर्ण कर उसी वन में उत्पन्न हुआ था। मुनिराज को ध्यान मुद्रा में देख करके फिर उसके बाहर के भाव उत्पन्न हुए और सारा का सारा शरीर सहित वे मुनिराज को निगल गया। उसने मुनिराज को निगल लिया। निगलने के फलस्वरूप वो छठे नरक में गया और मुनिराज शांत भाव धारण करके 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो गए, शशिप्रभ नाम के देव। वहां भी अनेक प्रकार के सुखों को भोगता हुआ वह जीव मध्य लोक में आकर के महामंडलिक नाम का राजा बना और वह नारकी जीव जो अजगर का जीव था वह छठे नरक में नारकी हुआ। दोनों आपस में स्वर्ग नरक के दुख सुखों का अनुभव करते हुए अंत में पार्श्व प्रभु का जीव वज्र नाभि चक्रवर्ती हुआ और इसका जीव किसका जीव? कमट का जीव जो नारकी में नरक में नारकी हुआ था वो मर करके सिंह हुआ और सिंह होकर के अनेक योनियों में कुरंग नाम का भील हुआ। और कुरंग नाम के भील ने जब मुनिराज को ध्यानस्थ देखा, जब उन्होंने महामंडलिक अवस्था को परित्याग कर मुनि दिगंबर दीक्षा धारण की वन में बैठे तप कर रहे थे, उन्हें देख करके मैं संक्षिप्त कर रही हूँ, उन्हें देख करके उसे फिर उसे बैर भाव उत्पन्न हुआ और मुनिराज को बाणों से उसने फेंक दिया। मुनि हत्या के प्रभाव से वह फिर सप्तम नरक में गया और मुनिराज मध्यम ग्रेविक में अहिमेंद्र हुए। वहां की आयु को पूर्ण कर वे वज्रनाभि चक्रवर्ती हुए और चक्रवर्ती अवस्था में 6 खंड के राज का उपभोग करके आप पढ़ते ना वज्रनाभि निर्ग्रंथ, संपूर्ण वैभव का परित्याग करके वे वज्रनाभि चक्रवर्ती मुनि हुए और वह छठे नरक से निकला हुआ नारकी मर करके अनेक योनियों में भ्रमण करते करते उसी वन में जाकर के सिंह हुआ। सिंह होकर के मुनिराज का उसने भक्षण किया और मर के सप्तम नरक चला गया और मुनिराज मध्यम ग्रेवेक में गए। वहां से आकर के मध्यम ग्रेवेक से प्राणत स्वर्ग में आए और प्राणत स्वर्ग में आकर के उन्होंने जन्म लिया और अंत में किसके यहां जन्म लिया पता है आपको? जो तामस का जीव, जो कमट का जीव था, मर करके अनेक योनियों में परिभ्रमण करते करते और महीपाल नाम का राजा हुआ, उनके बामा नाम की पुत्री हुई। बामा का विवाह अश्वसेन के साथ हुआ और उन्हीं से पार्श्व कुमार की उत्पत्ति हुई। वह जो महीपाल राजा था
तापस बन गया, लक्कड़ में जीव जला रहा था। पार्श राजकुमार ने आकर के उन्हें संबोधित किया तो कहता, अरे छोटा सा छोकरा कल का मुझे शिक्षा देता है, आगे की कथा आपको पता है कि लक्कड़ को चीर दिया, उसमें से सर्प निकले, नाग नाग ने उनको नमोकार मंत्र दिया, उनका उद्धार किया और स्वयं अपने आत्म कल्याण में लग गए। वह तापस का जीव मर करके कमठ नाम से संबर जाति का संबर देव हुआ, ज्योतिष की जाति का, और उसने फिर पार्श प्रभु के ऊपर घोर उपसर्ग किया, उसे विजय प्राप्त कर पार्श प्रभु ने अपने आत्म स्वरूप की प्राप्ति की। मैंने बात ये कही थी कि कमठ भी तापस हुआ था, महीपाल भी तापस हुआ, वहां उसने विरोध की श्रृंखला का प्रारंभ किया था, यहाँ आकर के उसका विरोध मिट गया क्योंकि उसकी माया विनस गई। पार्श प्रभु की समता को देखकर, केवल ज्ञान को देखकर उसे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। हमें भी सम्यक बोधि की प्राप्ति हो, इन्हीं भावों के साथ जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। हम सभी का निवेदन उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज के चरणों में कि वो अपनी वाणी से हम सभी को धर्म लाभ कराएं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शारदे मां हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार देना। हे शारदे मां हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार देना। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की बाणी। हम भी तो जाने हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना। हे शारदे मां हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार देना। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्न त्रयों का हमें दान दे दे। तू ज्ञान दाई हमें ज्ञान दे दे, रत्नात्रयों का हमें दान दे दे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, हमको उजालों का सिंह द्वार देना। हे शारदे मां हे शारदे मां, अज्ञानता से हमें तार देना। तू मोक्षदाई ये संगीत तुझसे, तू मोक्षदाई ये संगीत तुझ में, हर शब्द तेरा ये हर भाव तुझसे। हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण हो हमें तार देना। हे शारदे मां हे शारदे मां, अज्ञानता से देना। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की बाणी। मुनियों ने समझी गुणियों ने जानी, शास्त्रों की भाषा आगम की वाणी। हम भी तो जाने हम भी तो समझे, विद्या का फल तो हमें मात देना।
हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार देना। जय बोलिए अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की जय। जिन वाणी माता की जय। बोलिए परम पूज्य उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी महाराज की जय। ऋषि मुनियों की देशना है, भक्ति से शास्त्र का श्रवण करना मोक्ष का उपाय है। जिन्हें मोक्ष प्राप्त करने की लालसा है उन्हें भक्ति से शास्त्र का श्रवण करना चाहिए। मूलाचार में ऐसे शास्त्र श्रवण के लिए महान तपस्या माना गया है। शास्त्र से बड़ी कोई तपस्या नहीं है, न भविष्य में उसके समान कोई तप है, जो निरंतर तीर्थंकरों की वाणी का स्वाध्याय करता रहता है और भव्यात्मन अपने प्राचीन कर्मों को निरस्त कर अपने भावी को उज्जवल बनाता है और उपस्थित वर्तमान भाव में संसार की आपाधापियों से अपने को जुदा कर लेता है। वास्तव में जिन्होंने स्वाध्याय करने के लिए अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पित किया है, क्योंकि प्रभु की वाणी ही शास्त्र है। महानुभाव शास्त्र श्रवण मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का फल है। अनेक लोग ऐसे हैं जो शास्त्र नहीं पढ़ पाते हैं, तो कम से कम मुनियों आरिकाओं के द्वारा अथवा विद्वानों के द्वारा जो शास्त्र का ज्ञान दिया जाता है वह शास्त्र का ज्ञान मनुष्य जन्म रूपी वृक्ष का फल है। हम इस मनुष्य रूपी जन्म के वृक्ष में से मिले हुए फल को विषय कषायों में ना खोते हुए अपने जीवन को महान बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। श्रुतातिरेको विनयस्य कारणम् गुण प्रकर्षो विनयादवाप्यते गुणाधिकेषु सुजनोनुरज्यते जनानुरागम प्रवाहि संपदः। शास्त्र ज्ञान की अधिकता विनय का कारण है। जो बहुश्रुतवान होता है उसके जीवन में विनय होती है और वह तीर्थंकरों की, अरहंत केवलियों की, आचार्य उपाध्याय और साधु की विनय करने में कहीं चूक नहीं करता है। विनय से गुणों की प्रकर्षता अधिकता प्राप्त होती है। जैसे जैसे हम दूसरे को विनय देते, इज्जत देते हैं, वैसे ही अनेक गुण हमारे भीतर उत्पन्न होते चले जाते हैं। और यह निश्चित सिद्धांत कहता है, अधिक गुणी मनुष्य में आत्मीजन अनुराग करते हैं। गुणवान व्यक्ति में ही अनुराग होता है और आत्मीजनों के अनुराग से संपदाएं उपलब्ध होती है। गुणी जनों से अनुराग करने पर संपदाएं प्राप्त होती हैं। ज्ञान संपदा, चारित्रिक संपदा और इन संपदाओं के होने के बाद भौतिक संपदाओं का होना एक सहजी बात है।
यह तो साधन है, यह निश्चित व्यक्ति को मिल ही जाती है। हम अपने कर्तव्यों की ओर जब रुझान करने लग जाते हैं तो हमें संसार में कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है। स्वाध्याय करने से अच्छे बुरे की समझ पैदा होती, और जब अच्छे बुरे की समझ पैदा होने लग जाती है तो जैसे महिला गेहूं या अन्य चीजों को जब साफ करती है तो थाली में चीज पटक लेती है, तो गेहूं गेहूं अलग करती है, कंकर कंकर अलग कर देती है, उसे कंकर और भूस का ज्ञान है, तब गेहूं को जुदा कर पाती है। आत्मा और शरीर ये दोनों ही तत्व भिन्न भिन्न हैं। जब दोनों का बोध हो जाता है तो शरीर के प्रति व्यक्ति का राग कम होने लग जाता है, और राग को अब ना बढ़ाने का इसलिए पुरुषार्थ करता है। राग तो आग है, निरंतर जला रही है। राग कर्म बंध का बहुत बड़ा माध्यम है। हम इस कर्म बंध की प्रक्रिया से बचने के लिए, लोकोत्तर सुख प्राप्त करने के लिए आज ही ऐसा पवित्र पुरुषार्थ करने की जरूरत है। जिस व्यक्ति के अच्छे बुरे का विवेक नहीं है, उसका चित्त आकुलता से रहित नहीं है, जिसके बल नहीं है, जिसके धन नहीं है, उनुष्य का मनुष्य का आकार रूप ये चर्म निर्मित कुत्सित यंत्र को देखो, हे मित्र, कैसा संसार में घूम रहा है। हम इस यंत्र को देख देख अनंत काल से अभी अपने जीवन को मधुर या श्रेष्ठ बनाने को उपाय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे नाचारी भगवान पंचास्ती काय में कहते हैं, पारो नत्ति सुदीनम कालो तुबो भयम च दुम्मेया, तिन्नी वरी सिक्खी अब्बम जमजर मरणम खयम कुणी। हे भव्य आत्माओं, इस संसार में कौन सी चीज श्रेष्ठ है? शास्त्र या दौलत? कौन सी चीज अच्छी है? तो कहते हैं, पारो नति सुदीनम, संसार में श्रुत भी अपार है और दौलत भी अपार है। हम इस बात को समझें कि शास्त्रों के स्वाध्याय करते 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 भी हमारे जीवन में आनंद की अद्भुति अद्भुत अनुभूति होना चाहिए, लेकिन जिंदगी छोटी सी लेके आए हैं, अब क्या करें। छोटी सी जिंदगी में भी हमें ऐसी को डिजाइन करना है जो हमारा अगला भाव बना सके। पारो नति सुदीनम कालो थो वयम च दुम्मेया तिन्नी वरी सिक्खी अब्बम। और देखो, बड़ी विचित्रता है, हम आपकी बुद्धि कैसी है? वयम च दुम्मेया दुर्बुद्धि है, थोड़े से में अकड़ आ जाती है, आती है ना, थोड़े से में आदमी का मन कड़क हो जाता है। जैसे मिट्टी में पानी गिरा और पानी सूखा तो मिट्टी फट गई। मान सम्मान चल रहा हो, किसी व्यक्ति के ना हो पाए तो सोचता कि वाह, मैं कुछ भी चीज नहीं हूं, आप ही सबसे कीमती चीज हैं जो आप भगवान के चरणों में हैं। लेकिन एक माला और एक पगड़ी लगने से आदमी अपने आप को सोचता है कि मैं महान बन गया, इसी का नाम तो दुर्बुद्धि है। हम सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में अगर थोड़ा सा भी स्थान पा जाएं तो हमारी जिंदगी है। मान वही मांगा जाता है जहां आपका समान व्यवहार जाति का चल रहा हो, लेकिन गुरु के चरणों में जिन वाणी की सभा में अथवा अरहंतों के समाऊ शरण में हमें अपनी बुद्धि को दुर्बुद्धि नहीं सुबुद्धि बनाने की जरूरत है। कहते आचार्य, शास्त्रों का पार नहीं
थोड़ी सी जिंदगी लेके आए हैं और वह जिंदगी में भी टेढ़ापन बहुत है, एक्सेप्ट नहीं कर पाते। लेकिन श्योरली ये कहा जाता है, देखा जाता, अनुभव किया जाता है, इस युग में पैदा होने वाला आदमी कितना टेढ़ा मेढ़ा है, बहुत टेढ़ा मेढ़ा है। बहुत ही बड़े लोग ऐसे होंगे जो बिल्कुल सीधे होंगे, और उनके सीधे होने का भी आज हम अवलोकन भी नहीं कर पाते क्योंकि आंख हमारी ऐसी है। तब हम ऐसे समय में क्या करें, जिन्नी वरी सिक्खी बम, हमें क्या सीख लेना चाहिए, जम जर मरणम खयम गुण ही, स्वाध्याय करके जन्म मरण और जरा अर्थात बुढ़ापा, इनसे कैसे निजात पाई जाए। बुढ़ापे से बचना चाहते हैं, हां सभी लोग पलंग पर लेटे लेटे पड़े पड़े या हाथ पांव टूटते हुए कौन अंतिम श्वास लेना चाहता है, सब चाहते हैं बड़ी आसानी के साथ जिंदगी व्यतीत हो। तो जन्म जरा और मरण का क्षय करने वाली विद्या, ये जो तीर्थंकरों की वाणी है, उस वाणी के माध्यम से ही हमको मिलती है। तीर्थंकरों की वाणी औषधि के समान है, हम तीर्थंकरों की वाणी का कभी अनादर न करें, ये औषधि है। यदि उसका हम अवपान करते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा होता है, लेकिन हमारी ऐसी हैबिट है कि हम तीर्थंकरों की वाणी को श्रवण कर पाने में भी कम वक्त है। जमाने की बातें सुनते रहेंगे, करते रहेंगे, लेकिन जब तीर्थंकरों की वाणी का उपदेश हो रहा हो तो उस वक्त आपकी आंखें झूमने लग जाती है, घूमने लग जाती है, नींद आने लग जाती है। महानुभाव, हमें अपने प्रमाद को खोकर के स्वाध्याय में, शास्त्रों के ग्रंथ में लगने की जरूरत है। कई दार्शनिकों ने कहा है, अच्छी पुस्तक एक महान आत्मा का अमूल्य जीवन है, जीवन रक्त है। तीर्थंकरों की वाणी हमारे जीवन को अमूल्य निधि देने वाली है। आइए, ये शास्त्र हमें क्या देते हैं, प्रबोधाय विवेकाय हिताय प्रसमाय चा सम्यक तत्वोपदेशाय सताम सुक्ति प्रवर्तते। सज्जन पुरुषों की सुक्तियां हमारे जीवन में प्रबोध को देने वाली है, अच्छी समझ। कौन सी समझ? अच्छी समझ, राइट डायरेक्शन में चलने वाली बात। वरना ये सुबह से लेके शाम तक दूसरों की आलोचना में लगा रहता है और ऐसी बैड हैबिट हो गई कि जब तक वो शाम होते होते दो चार बातें ना कह ले अच्छे आदमी के अगेंस्ट में भी, तब तक उसका डाइजेशन ठीक नहीं हो रहा है। और ये दूसरों की निंदा आलोचना करने से अपने को बचाना चाहिए, इससे नीच गोत्र का बंद होता है। और नीच गोत्र के बंद होने के बाद जब आदमी मर के जाता है तो ऐसी जगह पैदा होता है जहां बिल्कुल धर्म कर्म से रिक्त, बिल्कुल आदमी का अस्तित्व बेकाबू में रहता है। आज सौभाग्य है कि हम वीर प्रभु के तीर्थ में, उनकी सन्निधि में थोड़े बैठने के लायक तो बन पाए, लेकिन हम अपने निजी स्वार्थों के कारण, अपने अहम की पुष्टि में जहां कोई धक्का लगता है, उधर हम तुरंत धर्मात्मा की आलोचना करने लग जाते हैं। ये हमारे स्वाध्याय में नहीं कहा, प्रबोधाय, अच्छा बोध देता है हमें ये शास्त्र ज्ञान, विवेक आए और बहुत अच्छी समझ दे देता है हमें क्या उचित है और क्या अनुचित। ये बिना स्वाध्याय और साधुओं के साथ बैठे आपको कभी और कहीं नहीं मिलने वाला है। संसार में जहां कहीं आप बैठेंगे वो संसार बढ़ाने वाली ही हिंसामयी विद्याओं को देने वाले। स्वाध्याय की परिभाषा करते हुए आचार्य कहते हैं, जिस ग्रंथ में
और उसके अर्थ में हिंसा की बात हो उसका नाम स्वाध्याय नहीं कहा जाता है, अहिंसा जो महावीर ने हमारे जीवन को दी है उसी को अपने जीवन में धारण करना। और जब हम अच्छी समझ रखेंगे, अच्छी सोच पैदा होगी तो अच्छे बुरे का ज्ञान होता है जो हमारे हित के लिए है, कषायों की मंदता के लिए है। ऐसा हम आचार्यों तीर्थंकरों का ज्ञान प्राप्त करके अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का प्रयास करें। मनुष्य पर्याय की सार्थकता तभी संभव है जब प्रयत्न और पुरुषार्थ पूर्वक सच्चे स्वाध्यायी बनकर के अपने जीवन को महान बनाएं। कल आपने पार्श प्रभु के महत्व को समझा, देखा, अनुभव किया, उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, हमें लक्ष्य को प्राप्त होना है। उन्होंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया, हमें लक्ष्य को प्राप्त करना है। लेकिन जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तब तक श्रावक के लिए और मुनियों के लिए अपने अपने आवश्यकों के प्रति सजग जागरूक रहते हुए अरहंतों की आराधना करना है। आपके क्षेत्र राणा प्रताप गुण मंडी में एक भव्य जिन मंदिर का निर्माण होने जा रहा है जो निश्चय ही सम्यक दर्शन का एक ऐसा दस्तावेज देने वाला है जिनको देख करके अर्थात अरिहंतों को देख करके छोटे बच्चे से बूढ़े आदमी को भी सम्यक दर्शन का लाभ होगा। इसलिए हम उन वीतराग बिंबों के प्रति अपनी सहज श्रद्धा को प्रस्तुत करने के लिए एक अवसर की तलाश में है। और महानुभाव, ऐसे अवसर की तलाश करने के पहले हम एक फाउंडेशन, एक नींव, एक आधार बनाने के लिए इतने स्ट्रांग होने की जरूरत है, इतने स्ट्रांग होने की जरूरत है जैसे कोई नदी के ऊपर विशाल पुल का निर्माण होता है तो बहुत मजबूत बनाया जाता है, वैसे हम अपने प्रभु को स्थापित करने के पहले एक बहुत मजबूत, बहुत स्ट्रांग नींव रखने जा रहे हैं जो भारत में आज तक कहीं नहीं रखी गई है। और उस नींव में आपके प्रत्येक व्यक्ति के परिवार की शिला, एक शिला हजारों साल तक इस बात की आपको खबर देगी कि मेरे परिवार ने संकट हरण पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर की शिला रख करके पुण्य का अर्जन किया है। हमें कहीं चूकना नहीं है। होटल में जाते हैं, मॉल में जाते हैं और जिन चीजों की आवश्यकता नहीं उनको ही परचेज करके ले आते हैं। जब कभी कोई बात चली संसार की तो आप अपनी आवश्यकताओं से भी ऊपर निकल गए, लेकिन जब कोई भगवान के भवन के निर्माण की बात बनती है, त्रिभुवन तिलक जहां विराजमान होना है उनके लिए हम एक स्ट्रांग भूमि की आवश्यकता है, दिव्य भावों की आवश्यकता है और सहस्र शिलाएं कम से कम इस भगवान के भवन के नीचे लगा करके हम भव्य प्राणियों के लिए इस बात का संकल्प उठाना है कि जब तक ये शिला रहेगी तब तक मैं आपके प्रति श्रद्धावान रहूंगा। ऐसा एक सम्यक जुड़ाव पैदा करने के लिए जैन इतिहास को हजारों साल तक बनाए रखने के लिए ये प्रयास का एक क्रम प्रथम बार होगा। ऐसे ही पत्थर की शिला रख देते हैं लेकिन व्यक्ति का नाम और तीर्थंकर के अनुयायी हैं इस बात की खबर उस शिला के माध्यम से होगी। इसलिए हर घर में हर व्यक्ति अपनी शिला स्थापित करके इस पुण्य से कतई वंचित ना हो। आप अपने लिमिट को देख लें पर शक्ति को ना छुपाएं, अपने लिमिट को देख लें किंतु शक्ति को ना छुपाएं। आज मनुष्य का लिमिट कोटा बड़ा होता है
लेकिन अच्छे काम को शक्ति छुपाते हैं और बुरे काम के लिए तुरंत फॉरवर्ड हो जाते हैं। मैं चाहूंगा कि पार्स प्रभु के इस मंदिर के फाउंडेशन में हर महिला, हर पुरुष, हर बालक और पलंग पर लेटा पड़ा बीमार आदमी भी अपने नाम के एक सला लगा करके इस बात को साबित करे कि हम तीर्थंकरों के अनुयायी हैं और जब तक धर्म रहेगा 18,500 वर्ष तक, तब तक ये जिनेंद्र की जय जयकार करने के लिए हम तैयार रहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं और चाहता हूं कि जो जहां पर भी हो 22 तारीख के पहले से ही अपनी अपनी सिलाएं मिस्टर गोधा के लिए और कमेटी के जितने लोग हैं एक्टिव हो रहे हैं, और आप भी तमाम लोग एक्टिव हो जाइए। ये तो पुण्य का खजाना है। मुझे नहीं कहा, मुझे साथ नहीं लिया, साथ कोई ना ले और अच्छा काम होता है तो भी दौड़ के पहुंच जाते, नहीं मेरा भी इसमें रख लीजिए सहयोग। ऐसे ही मंदिर के निर्माण में, फाउंडेशन में कोई भी जैन समाज का आदमी शेष न रह जाए, क्योंकि हजारों साल तक नीचे आपके परिवार की प्रशस्ति रहेगी और वो प्रशस्ति कहेगी आप सचमुच ही कम वक्त नहीं है ना, अच्छे आदमी थे, इसलिए फाउंडेशन के दिन भी आप उपस्थित थे, वरना काल में आपकी कोई खबर नहीं होगी। हजारों साल इस बात की सूचना रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम लेता हूं और आज से ही आप अपनी अपनी सिला यहां मिस्टर पवन गोदा जी के लिए, या हमारे प्रीत बिहार के पवन जी, वीरन सोनी, या जो वहां गणमान्य लोग सक्रिय हो रहे हैं, महिलाएं एक्टिव हो रही हैं, महिलाओं को भी मैं कहना चाहता हूं अपने शरीर की शक्ति का उद्घाटन करते हुए अपने तमाम साथियों के लिए, ये नहीं कि थोड़ी सी अगरबत्ती की तरह सुगंध दी और सारा स्टॉक अंदर साड़ी खरीदने के लिए लगा लिया, ये बहुत हमारे अंदर का पाप है। लाख रुपए की साड़ी पहनना चाहेंगे लेकिन जब सिला लगाने का मन आएगा तो कहेंगे मात्र गोधा मैया ये छोटी सी मेरी ले लेना, साड़ी लाख रुपए की पहनना चाहेंगे और गोदा भैया ये थोड़ा सा, क्या थोड़ा सा, थोड़ा सा अपने पास रखो, कभी और नई साड़ी में काम आ जाएगा। आप बहुत स्वच्छ मन के साथ जितना अच्छा भाव रखेंगे उतना ये जिनालय सुंदर बनेगा और सम्यक दर्शन के लिए कारण बनेगा और आपकी जिंदगी को महान बनाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ ब्राम लेता हूं, जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की। संत श्रोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि राज की। जैसे आप सभी को पता है कल यानी 15 अगस्त को यहां पर गुप्ती सागर चैरिटेबल मेडिकल सेंटर का उद्घाटन श्रीमान हेमंत जी पाटिल, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाराष्ट्र से हैं, उनके द्वारा यहाँ पर किया गया, आप सभी के समक्ष किया गया। आज 16 तारीख से ये सभी के लिए शाम को 5 बजे से 7 बजे तक खुला रहेगा। आप जो भी जैन समाज के भाई बहन हैं, आपके लिए रिजर्व टाइम 5 बजे से शाम को 5:30 बजे तक रहेगा और 5:30 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे तक बाकी सभी लोगों के लिए रहेगा। यहाँ पर डॉक्टर एस के जैन, जो कि MBBS और जिन्होंने कोरोना में हजारों पेशेंटों को ठीक किए, ऐसे हमारे एस के जैन साहब यहाँ पर रोज बैठेंगे। आप यहाँ पर आकर के इस का भी लाभ जरूर लेवे और जिनको आप कह सके समाज में सभी को इस बात का भी बोले कि हमारे यहाँ पर भी मेडिकल सेंटर राणा प्रताप बाग श्री संकटरण भगवान पार्श्वनाथ जी मंदिर में शुरू हो गया है। आप सभी लोग उसका भी लाभ लेकर के और जो 400 गज भूमि ली है उसमें आप अपने परिवार की तरफ से 1 गज 2 गज 5 गज दे, जिससे जल्दी से जल्दी हम एक हॉस्पिटल का भी निर्माण कर सके।
जय जिनेन। और अभी जिनवाणी स्तुति के लिए सभी तैयार रहे। बोलिए दे माँ अपनी शरण दे दो, भटके हैं राहों में, हमें ज्ञान किरण दे दो, चरणों में आए हैं, माँ अपनी शरण दे दो, भटके हैं राहों में, हमें ज्ञान किरण दे दो, सुख की अभिलाषा में संसार सवारा है, पर को अपना माना यही दोष हमारा है, शुद्धातम हो अपना अज्ञान तमिर हर लो, चरणों में आए हैं माँ अपनी शरण दे दो, तोड़ा जग से नाता तुम्हें सब कुछ माना है, सर्वज्ञ स्वभावी हो हमने पहचाना है, हम दास हैं चरणों के, यह प्रीति अमर कर दो, चरणों में आए हैं माँ अपनी शरण दे दो, भटके हैं राहों में, हमें ज्ञान किरण दे दो, चरणों में आए हैं माँ अपनी शरण दे दो। जवाणी के ज्ञान दे सोचे लोका लोग, सोवाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ लोग, हे जिनवाणी भारती तुम्हें जपो नंदरेन, जो तेरा शरण लहे सो पावे सुख चैन। दोबार नमो कार मंत्र का स्मरण कीजिएगा। ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या, ओम नमः सिद्धिव्या, श्री वितरागाय नमः, ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हं सं तं पं वं वं मं मं हं हं सं सं तं तं पं पं झं झं झीं झीं छिं छिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रव द्रव नमोर्ति भगवते श्रीमते, ओम ह्रीं क्रों मां पापं खंडे खंडे, जय जय दय दय पच पच पाचे पाचे, ओम नमो रं झं झीं छिं हं सं झं वं हय सह छां छिं छुं छेम छोम 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 चम चम चा छिम हिराम रीम रूम रेम भ्रो ब्रम रोम ब्रम ब्रम रा द्रम द्रीम द्रव द्रव नमोति भगवते श्रीमते, ठा ठा स्माकम परम पूज्य आचार्य भुवन विद्या सागर जी महाराज सासंग स्वास लावादम एवं मस्तक अभिषेक कर्ता श्रीमान श्रेष्ठ श्री श्रीमती गुणमाला येन पुत्र पवन कुमार येन, श्रीमती नीतु येन, राजकुमार येन, श्रीमती श्रद्धा येन, परी येन, पंखड़ी येन, पाखी येन, ख्याति येन, खुश एवं पवन प्रेस बेग परिवार गंजवा सौदा निवासी नाम एवं शांति धारा कर्ता पुण्याजक श्रीमान श्रेष्ठ श्री सत्येन्द्र जी एन, श्रीमती शोभा जी एन, चेतनी एन, स्वाति एन, सिविन जी एन, बिहान जी एन, समस्त परिवार से राजधानी फ्लोर मिल दिल्ली निवासी नाम श्रीमान विनायक जी एन, नुपुर जी एन, पत्ते वाले शिवपुरी वालों की सुख शांति समृद्धि एवं सर्व विघ्न बाधा निवारणार्थम है श्रीमान प्रदीप जी एन, प्रेरणा जी एन, अवंतिका जी जैन, अजिक्या का जी जैन, डॉक्टर प्रतीक जी एन, नागपुर निवासी नाम श्रीमा कुमारी आरती जी एन, ललितपुर स्वास्थ्य होने पर आभार व्यक्त करते हैं श्रीमान प्रकाश चंद्र जी एन, डॉक्टर चक्रेश जी एन, प्रिंस जी एन, चित्रांश जी एन, सरस जी एन, बामन कल निवासी नाम एवं श्रीमान ताराचंद जी एन, स्वास्थ्य लाभ तीर्थ नक्षत्र सदस्य श्रीमती कमलाबाई स्वर्गीय मानिक चंद जी एन,
पंसारी समस्त परिवार से पंडित निजन श्वास लावादम एवं श्रीमान प्रदीप जी अंतर जी ओजस जी एवं समस्त परिवार से एवं समस्त भविष्य देखने वाले सुनने वाले एवं समस्त तीर्थोदय क्षेत्र कमेटी एवं समस्त तीर्थोदय श्राप एवं समस्त भारतवर्ष दिगंबर जैन समाज से समस्त विश्व कोरोना रोग निवारण समस्त विश्व सुख शांति समृद्धिस्तु श्रीजस्तु वृद्धिस्तु तुष्टिस्तु पुष्टिस्तु शांतिस्तु कांतिस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्धार्थं सर्वविघ्न निवारणार्थं श्रीमद् भगवत अरहत सर्व विष्टि परम पुत्राय नमो नमः अस्माकं श्री शांति भट्टराय पाद प्रसादा सद्रम सिबला युवर गस्व दृष्टो शब्दर्म स्वास्थ्य पर शिष्य वर्ग प्रसिद्धंतो नमः ओम शिव स्वाधिया श्री वर्धमान पर्यंत आश्रित प्रसन्न भगवान समंगल नाम दिया अस्माकं यामुच्च सिद्धिं तन्मंतो शब्दर्म कारीसो यामुच्च सिद्धिं प्रच्छन्तो नमः ओम नमति भगवते श्रीमते श्रीमदे आदिनाथी तंग्राय श्रीमद रत्नाथाय उपाय दिव्यते मूर्ति नम प्रभा मंडल मणिताय द्वादश गण संहिताय अनंत चतुष्टय संहिताय समोचन केवल लक्ष्मी सोविताय अष्टादश दोष संहिताय सच्चताय गुण संहिताय परमिष्टि पवित्राय समय ज्ञानाय शंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रिलोक महिताय अनंत संसार चकमदनाय अनंत ज्ञान दर्शन भी सुखाय सियादिया त्रिलोक वंशकाय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि बृहत् प्रमाणतरी सियारिका चनावक श्रानिका प्रमुख चंद्रसंग सर्ग विनाशनाय गति कम छंकराय अजराय अब्बाय अस्मागम परम पूजी आचार्य वगन विद्या सागर जी मामुराज एवं श्री परम पूजी मुनि श्री निर्वेक सागर जी मामुराज सासंग श्वास लावादम एवं समस्त समस्त कवि से कथा शांति दाना कथा एवं समस्त भजन देखने वाले सुनने वाले एवं समस्त तीर्थ क्षेत्र कमेटी एवं समस्त तीर्थ दैष्टाव व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो व्याधिम गणंतो श्री जी अभिषेक पूजन प्रसाता अस्माकं सेवकनां सर्वदोष रोगसु कृपा पीणा विनाशनं भवतु ओम नमति भगवते वृक्षणस्य सुस्कृमस्य दुविधे जुमतन शांति नाथ शांति ग्राय सर्व वेग विनाशनाय सर्व रोग मुक्ति विनाशनाय सर्व अपरक क्षुद्र पद विनाशनाय सर्वानि शांति कराय ओम ब्रां ब्रीं ब्रं ब्रौरा अस्य औसनमा मम सर्वेग्नि शांतिं करो करो मम सर्व तुष्टिं करो करो मम सर्व पुष्टिं करो करो स्वाहा मम कामम छिन्छिन्दे मिनिमिने रति कामम छिन्छिन्दे मिनिमिने वली कामम छिन्छिन्दे मिनिमिने बोधम पापम नीरम च छिन्छिन्दे मिनिमिने अग्नि वायु भयम छिन्छिन्दे मिनिमिने शर्म शत्रु एग्रा छिन्छिन्दे मिनिमिने शर्मशनिगा छिन्छिन्दे मिनिमिने शेग्रा छिन्छिन्दे मिनिमिने सर्वराज्या छिन्छिन्दे मिनिमिने सर्वचार दृष्टोया छिन्छिन्दे मिनिमिने सर्व सर्वजक्ष्यादि भयम छिन्छिन्दे मिनिमिने सर्व गय भयम छिन्छिन्दे मिनिमिने सर्व दोष व्याधि दामरं च छिन्छिन्दे मिनिमिने सर्व परमंत्र छिन्छिन्दे मिनिमिने सर्वाद्गतं परगतं च छिन्छिन्दे मिनिमिने सर्व सुरोगम कुचिरोगम अचिरोगम सरोगम जनरोगम च छिन्छिन्दे शर्म नरमारियम छिन्छिन्दे सर्व गजस्कम सजमारियम छिन्छिन्दे सर्व संसधन्य बक्षिलता गुण पद पुष्प मारियम छिन्छिन्दे सर्व राष्ट्र मारियम छिन्छिन्दे सर्व कुलिदान सग्नि अग्नि व्यानी छिन्छिन्दे सर्व इन्द्रिय छिन्छिन्दे सर्व इन्द्रिय छिन्छिन्दे सर्व विश्व मारियम छिन्छिन्दे अस्माकं परम पूज्य आचार्य भगवन विद्या सागर जी सासंगे श्वास लावदम श्री परम पूज्य मुनि श्री निर्वेक सागर जी मामरा सासंग श्वास लावर्तम शांति पुरे पुरे सर्व जीवानंदना पुरुकुरु सर्व जनानंदना पुरुकुरु सर्व अभ्यानंदना पुरुकुरु सर्व गक्लानंदना पुरुकुरु राज्यानंदना पुरुकुरु सर्व ग्राम नगर के इकरम मटन पतंद्रम शम्मानंदना पुरुकुरु सर्वानंदनम करो करो स्वाहा।